YouTube खुद ही अपने आप में ऐसा है कि जो आपको अर्न करके देता है, पैसा कमा के देता है, तो आप का ही टेंशन। तो मैं कहाँ कहाँ से पैसा कमाता हूँ, एक तो YouTube से, दूसरा मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा शेयर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, इंडोर्समेंट से कमा लेता हूँ, ब्रांड से कमा लेता हूँ। इसके अलावा और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे वीडियोज आते हैं, वहाँ से मैं थोड़ा अर्न कर लेता हूँ। और ऐसे करके मैंने छोटे छोटे और कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे मैंने जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने कर रखी हैं पॉलिसीज के अंदर, तो वहाँ से मेरा फ्यूचर वो मेरे लिए इटसेल्फ ही मुझे पैसा कमा के दे रही है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इनमें पैसा। तो डायरेक्ट वे से तो मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, डायरेक्ट वे से मैं एक जगह मैं फैमिली में काम करता हूँ वहाँ से भी पैसा, फैमिली इन द सेंस वेदांतों में काम करता हूँ वहाँ से भी पैसा कमा रहा हूँ। तो टोटल मैं 10 जगह से पैसा कमा रहा हूँ। कल को गलती से मैं कहीं कट भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी होगी, तो मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। क्यों एक ही सोर्स रखें, मैं टीचिंग से पैसा कमाता हूँ, शॉर्ट वीडियो से पैसा कमाता हूँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता हूँ, और बताओ मतलब 10 सोर्सेज मैंने अपने साथ पैदा कर रखे हैं, मेरे को हर जगह से पैसा आता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पैसा आता है, मेरे साथ बहुत मेरी टीम है, उनको भी मैं पैसा कमा कमा के उनके 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 घर उनके घर पे उनको दे रहा हूँ, वो भी उससे अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अर्न करते हो, बहुत सारे लोग अर्न करते हैं। और अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन पूछा कि आप कितना पैसा कमाते हो, तो आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेंज बता देता हूँ एग्जैक्ट, मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट हाँ अगर आप पर एनम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो एक रेंज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, बट यस 50 लाख से 3 crore तक यू कैन अर्न। सो इस ब्रैकेट में आई एम अर्निंग। नाउ सवाल ये है कि क्या इतना ही अर्न करना है मुझे।